हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर 26 लेके आए हैं। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 26 आपकी लाइफ चेंज करने वाला है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही तगड़ा लेवल का टॉपिक है आज का। यस, आपको पता चल गया होगा, रोलिंग मोशन, क्योंकि लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक ही बाकी है इसलिए। तो दोस्तों, रोलिंग मोशन चलाने से पहले थोड़ा हम फंडा फोकस जाएंगे तो आपको थॉट अच्छा क्लियर होगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि मैं इस पेन को ऐसे फेंकता हूं, तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पीछे वाला पॉइंट, सबका वेलोसिटी सेम। ट्रांसलेशन मोशन, हाँ सर, सही है, सही है, बिल्कुल सर। और सर, मैं इसको यहीं पे इसकी जगह पे रोटेट करवाता हूँ तो सबका वेलोसिटी ओमेगा सेम होगा सबका, ठीक है। लेकिन घुमाता हूँ तो इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा सबका कि सेम होगा? तो सर, सेम वेलोसिटी से घुमाओ, सेम वेलोसिटी ट्रांसलेशन, अलग अलग वेलोसिटी रोटेशन। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक आइडियो बताता हूँ। मेरे पास एक कुछ भी व्हील जैसा कुछ है, ठीक है। अब मैं इसको खाली ऐसे ऐसे फेंक रहा हूँ, तो ऐसे फेंक रहा हूँ मतलब कि इसके यहाँ जो पार्टिकल है ए, उसका वेलोसिटी भी वी, यहाँ पे है उसका वेलोसिटी भी वी, यहाँ पे है उसका वेलोसिटी भी वी, सेंटर ऑफ मास है उसका भी वेलोसिटी वी, यहाँ पे है उसका वेलोसिटी भी वी। इसको बी नाम दे दे, सी नाम दे दे और डी नाम दे दे, बोल हाँ या ना। क्योंकि मैं सर इस बॉल को ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा नहीं रहा हूँ, खाली ऐसे फेंक रहा हूँ, समझना बात को, फील करना, ऐसे जाने दे रहा हूँ बॉल को। बॉल घुमा नहीं तो रोटेशन नहीं, तो ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन मोशन है ना, फील कर रहा है तू? हर बार बॉल होता है उसका मतलब ऐसा नहीं, सिर्फ घुमा नहीं होता है, समझ बात को, ऐसे फेंका सिंपल मैंने। तो दोस्तों, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन काइंड ऑफ। अब दोस्तों, मान लो इसी बॉल को मैं उसकी जगह पे घुमा रहा हूं, तो क्या सीन होगा पता है? ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास तो बेचारा गरीब है ना, हाँ, स्टेडी रेस्ट, ऐसे घुमा रहा हूँ। यहाँ पे कोई पार्टिकल है उसका वी कितना? जितना डिस्टेंस, वी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है और रेडियस आर है, तो इसका वेलोसिटी कितना? v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और उस क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इंटू ओमेगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है r रेडियस पे ही है, तो ऑब्वियसली सर उसका भी वेलोसिटी कितना? r ओमेगा। सेम डिस्टेंस पे आए हुए सारे पार्टिकल का वेलोसिटी सेम, यहाँ पे आए हुए पार्टिकल का वेलोसिटी, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ना, ऐसे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ पे आए हुए बराबर है सर। थोड़ा अंदर यहाँ पे लू तो इसका वेलोसिटी अलग होगा, हाँ या ना बोल दे। तो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशनल मोशन, बोल हाँ या ना। इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ और पार्टिकल को ऐसे फेंक देता हूँ, जुप, मिक्स्ड मोशन है ना, ओके, काजू कतरी मिक्स। तो अब दोस्त, क्या हालचाल होने वाला है तू देख ले, उनका रोटेशन भी होगा और लीनियर भी होगा। तो मे आई राइट दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? मैं बैठा हूँ रे, टेंशन नहीं ले, शांति तो रखो, फुल मजबूत तैयारी के साथ आता हूँ, चल आ जा। चल भाई, दोनों को अब मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड है, प्योर बटे का भजिया नहीं है, मेथी का भी मिक्स है, तो चल क्या करेगा बोल तू? स
सर लेक्चर बाद में रखना, आप भजिया मंगा दो। पॉइंट ए वी से तो जा रहा था, और प्लस आर ओमेगा अंदर जुड़ गया, क्योंकि आर ओमेगा भी उसी डायरेक्शन में। हाँ या ना बोल। हाँ सर, तो ये थॉट एक क्लियर हुआ हमारे में। सर बी है, बी है वो इस साइड तो वी से जा ही रहा था, ये रहा देखो, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल के कारण आर ओमेगा किधर आ गया, नीचे। आर ओमेगा किधर है, नीचे तरफ है। हाँ या ना बोल दे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आर ओमेगा और वी का कुछ हो, होता है ना सर, क्या होगा, बी का वेलोसिटी वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, चैप्टर फोर, बोल हाँ या ना। तो सर सही में बी यदि ट्रांसलेशन और रोटेशनल की जगह पे दोनों मिक्स्ड मोशन करता है ना, तो वी का वेलोसिटी इतना होता है सही में। अब सी पे आ जा, सी पे देखो वी इस तरफ है, आर ओमेगा इस तरफ है, वी आर ओमेगा पार्टिकल जा कहाँ रहा है आगे, तो दोस्तों बोल सकता हूँ सी पे कितना आर ओमेगा माइनस वी या वी माइनस आर ओमेगा, वी माइनस आर ओमेगा, ज़्यादा माइनस कम, ओके क्लियर है, अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट डी है, देखो पॉइंट डी का आर ओमेगा इधर है और पॉइंट डी का वी इधर है, देखो ना वी इधर है आर ओमेगा इधर है, तो बोलो दोस्तों दोनों का मिक्स भजिया किधर, इधर, हाँ या ना बोल दे। तो वी डी कितना, तो डी का और बी का वैल्यू सेम ही आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी का और डी का वैल्यू सेम ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। क्लियर, बातें क्लियर हो रही है दोस्तों। अच्छा अब एक लॉजिक समझाना था आपको, यदि कोई पार्टिकल ट्रांसलेशन रोटेशनल का मिक्स्ड मोशन करता है, तो एक थॉट क्लियर करना था, एक चौपड़ा दे दें बेटा, चलो मैं करवाता हूँ दोनों का मिक्स्ड मोशन, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक मान लो कोई चक्कर या तो बॉल है कोई, ठीक है, अब ये बॉल का कोई पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, अब बॉल घूमा, जग घूमिया ऐसे बॉल घूमा, घूमा ठीक है घूमेगा। अब तू इमेजिनेशन कर दोस्त, जब बॉल घूम रहा है जुप, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, मान ले यहाँ पे आ गया आधा जुप, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, अब और आगे घूमेगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो बात को समझना, ये पार्टिकल रोल कर रहा है, पार्टिकल रोल कर रहा है, रोल करते समय तू मुझे बता ये इंक्लाइन प्लेन है, दिख रहा है बच्चों को इंक्लाइन प्लेन है, इस पे दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये पेन ऐसे सरक रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, तो स्लाइडिंग के ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ स्लाइडिंग इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये सारे जो पॉइंट इस पे घूम रहे थे उनका वेलोसिटी होगा या नहीं, बिल्कुल होगा सर, क्या बात कर रहे हो, है ना, स्लाइडिंग के टाइम, स्लीपिंग के टाइम, स्लीप हो रहे हैं या स्लाइड हो रहे हो उस टाइम, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई पार्टिकल स्लाइड या स्लीप नहीं हो रहा है, रोल हो रहा है। तो देखो दोस्तों रोल हो रहा है तो रोल के टाइम में मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं आपको क्या हो रहा है, ये पॉइंट मान ले यहाँ पे था, ठीक है, रोल हुआ ये पॉइंट यहाँ पे आया, रोल हुआ ये पॉइंट यहाँ पे आया, उसी सेकंड वो पॉइंट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो क्या मुझे बता इस सरफेस को टच करने वाला ये पॉइंट क्या इसके रिस्पेक्ट में मोशन करता है, नहीं करता है सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है तुझे, वो स्लाइड हो रहा है तो पूरे रास्ते पे सर मोशन कर रहा है, पूरे रास्ते पे देखो सारे के सारे अड़े हुए हैं और देखो जूम 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 मोशन हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रोलिंग के केस में
पार्टिकल जो पहला ऊपर वाला था मान लो ये नीचे आया, नीचे आके क्या उसने सरफेस के रिस्पेक्ट में ऐसे आया, वो नहीं है, कैसे चला गया सीधा ऊपर चला गया। उसके बाद का कोई पॉइंट होगा वो भी एक माइक्रोसेकंड के लिए टच में आया और ऊपर चला गया, मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस सर मूव नहीं करता है, सरफेस के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है। दोस्तों बोलो ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको, तो मैं आगे बढ़ूँ। तो दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, वी सी इज जीरो, जो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है वो जीरो है ना, स्लाइड नहीं हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ रोल हो रहा है। तो V माइनस आर ओमेगा, तो फाइनली V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। अब दोस्तों आप पे डिपेंड है, आप इसको लिखो, V है आपके पास, आर ओमेगा है आपके पास, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना हुआ, हाँ आर ओमेगा की जगह पे V बोलूँ तो 2V, या V की जगह आर ओमेगा बोलूँ तो 2R ओमेगा, जो आपको लिखना हो। इसका दोस्तों V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर रूट 2V, बोल हाँ या ना, तो उसका भी सेम, बोलो क्लियर हो रही है बातें दोस्तों, फाइन। तो ये दोस्तों फील है सही में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का रोल होने के मामले में, कैसे हो रहा है रोल हो रहा है, रोल हो रहा है मतलब रोटेशन, और आगे भी आ रहा है मतलब कि ट्रांसलेशन। बोलो हाउ इज दैट क्लियर है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। ओके दोस्तों चलो स्टार्ट करें, बहुत अच्छी बातें होने वाली है आज। तो फाइनली कैसा रहा, तगड़ा एकदम, रोलिंग का मतलब समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे हर एक टच करने वाला पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं हो रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, चला जा। तो दोस्तों मैं रोलिंग का मामला लेने वाला हूँ, रोलिंग का मामला है, तो ये ऊपर, तो दोस्तों ये मान लो नीचे रोल हो रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ठीक है ना, चला जा। अब दोस्तों इस पे पहले तो बोल कितने फोर्स लग रहे हैं सर, पहला जब से पैदा हुए ना सर, वो नर्स ने बोल दिया था एमजी है, तो हाँ वेरी गुड, रुक जाइए, में नॉर्मल फोर्स कहाँ होता है, जहाँ टच कर रहा है उसके परपेंडिकुलर, बस ऐसी मजाक थोड़ी है, हाँ। और एमजी के दो कंपोनेंट, एमजी कॉस थीटो, एमजी साइन थीटो, मर गए सर, लोचा हो गया सर, ये तो रोल नहीं करने वाला है सर, क्या सर कन्फ्यूज कर रहे हो, ये रोल नहीं होने वाला है, ये घूमने वाला नहीं है, जा चैलेंज पैसा पाछा, मजाक कर रहा हूँ, पैसा पाछा बोलते ही बच्चे बोल कैलकुलेशन मारते सला, इन मटेरियल एक चैप्टर का इतना तो इतना, हाँ सर इतना वापस दे दो, चलो ओके डन, चल देख सुन बेटा, चौक गए ना सर, रोल नहीं हो रहा है, बुक में सब लिखा हुआ है दोस्त, लेकिन समझना आपको है और समझाना टीचर को है, देखा जा दोस्तों, रोल करने के लिए, रोटेशन के लिए कौन जिम्मेवार, सर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हो, कभी वो रोटेट होगा, तो इसमें जितने फोर्स लग रहे कहाँ लग रहे, मतलब कि सर ये बॉल जो ऊपर रखी हुई है या तो रिंग रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, वो रोल रोटेट नहीं हो पाएगा सर, तो क्या होगा, स्लाइड होगा सर, क्योंकि उसको रोटेट करने वाला एक भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बोलूं मैं ऐसा कुछ, हाँ ये हो सकता था सर, यदि ये सरफेस है ना, एक तो फ्रिक्शन लेस लिया है मैंने, बहुत मस्त बोलने जा रहा हूँ, शांति रखना, फ्रिक्शन लेस सरफेस मतलब कि चिकनी चिकनी स्मूथ सरफेस है, उस पर बॉल रखा हुआ है, तो चलिए तो उस पर सही में फोर्स नीचे गिरने में, स्लाइडिंग में, स्लीपिंग में कौन जिम्मेवार है, एम जी साइन थीटा,
तो मैं एम ए कर दूं तो कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगा। ओके सर, डन है ना। लेकिन स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस में एक्सेलरेशन कितना, जी साइन थीटा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पे सर ऐसा तो क्या हुआ कि वो स्लाइड करने लगा, तो मैंने देखा सर स्मूथ सरफेस पे सारे फोर्सेस उसके सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन में से पास, एक्सिस में से पास हो रहे हैं। याद है आपको मैंने टॉर्क वाला थियरी चलाया था, वो ऐसा कुछ करके बोला था आपको, एक्सिस पे लगाओगे तो नहीं हो पाएगा, रोटेट नहीं हो पाएगा, क्लियर है, चला जाए। तो सर उसमें सरफेस को क्या लेना देना, तो मैं हूं ना, रुक तो सही 2 मिनट। ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट है किधर सर, चला जा, तो बताता हूं तुझे बातें। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, इन छोटू गांडो थे ये, तेरी चाहत में mg sin थीटो, mg cos थीटो n, क्लियर है दोस्तों। एक इसका रेडियस बना देता हूं तो इसको भी अच्छा लगेगी, मेरा इज्जत रखा, रेडियस r, ठीक है। अब दोस्त देख, मुझे इसको घुमाना है ना, इसको घुमाना है ना, कैसे जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं, वो वाला। तो मैं फ्रिक्शन वाला सरफेस लेता हूं, तो ये नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ, सर फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, अब वो घुमाएगा, अब वो घुमाएगा, बाकी कोई फोर्स उसको घुमाने का काम नहीं कर रहे हैं, बोल हाँ या ना। तो सर फ्रिक्शन लेस सरफेस लेना, फ्रिक्शन वाला सरफेस लेना पड़ेगा रोल करवाने के लिए, क्यों, रोल के लिए मुझे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन चाहिए। स्लिपरी सरफेस हो तो उसमें फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो फोर्स ले दे के यही बचे, और ये सारे फोर्स क्या है, मेरे काम के नहीं है, रोटेशन में मुझके हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो रोटेशन करवाने के लिए आपको फ्रिक्शन वाला सरफेस लेना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लिखें ये दोस्तों h हाइट है और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो d है। लेट्स स्टार्ट, एज शोन इन फिगर, अ बॉडी ऑफ रेडियस r इज kept on inclined plane, of angle theta, clear है, okay दोस्तों। There are two forces acting on the body, one is mg which has two components sin and mg cos theta, second one is normal reaction force, या तो normal force, ये है gravitational force, ये है normal force। छोटी छोटी बातें हो गई दोस्तों, अब आते हैं मेन बातों पे। Here body is performing which kind of motion, rolling motion, so उस body के पास दो type का kinetic energy होगा, एक translation वाला और एक rotation वाला, so total kinetic energy of body is kinetic energy due to translation and kinetic energy due to rotation. Kinetic energy total energy due to translation half I omega square, बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें सारी, ठीक है सर। दोस्त I मैं जानता हूँ, I is equals to मैं mr square कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्या होता है दोस्त,
मैं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बोलूँ तो तू मुझे बोलेगा सर आप रिंग को फेंक रहे हो, क्योंकि रिंग का आई होता है एम आर स्क्वायर। मैं ऐसा बोलूँ कि हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब आप बोलोगे सर आप प्लेट को फेंक रहे हो, ये वाली बातें बोलोगे ना आप दोस्तों। पर कोई पार्टिकल बॉडी फिक्स ही नहीं हो तो आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर बोल दूँ। अब कोई भी बॉडी होगा उसका मैं के रख दूंगा, बोल हाँ या ना, तो मेरा काम हो जाएगा। और ओमे आप जानते हो दोस्तों, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो फ्रॉम दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे जाके होशियार बनाएगी, और आप बन चुके होशियार तो ठीक है। के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई मतलब एम के स्क्वायर, ओमेगा मतलब वी अपॉन आर, स्क्वायर है तो वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों कभी कभी बुक वालों ने इस वी को सी एम यहाँ पे लगा दिया, चीफ मिनिस्टर सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली सर पूरा नहीं बताया था, ट्रांसलेशन मोशन में सबका जो वी वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, सेंटर ऑफ मास जितना होता है, तो कभी कभी वी सी एम लिखा होता है, हर एक अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग बातें बोली है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या फील नहीं हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर मुझे कॉमन निकालना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर टोटल कॉमन आ गया तो वन, हाफ एम वी स्क्वायर टोटल आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल जो रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की बात नहीं है दोस्त, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। सो हेयर इट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है, बोल हाँ या ना। दोस्तों आपको पता है ये पार्टिकल को यहाँ से जब छोड़ा मैंने तो उसके पास फुल टू फुल काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, हितेश वेरी नाइस, बोल क्या बोले, मैं इस पार्टिकल को यहाँ से मैंने मूव किया, फ्री किया, तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास आया कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी पे। सर एम मास का पार्टिकल है, जी जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच हाइट पे रखा है, तो एम जी एच मतलब इस बॉल के पास या तो इस बॉडी के पास एम जी एच जितना पोटेंशियल एनर्जी था वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, बाकी वो कहाँ लेने गया है बोल, तो तूने ऐसा धक्का नहीं मारा है, तूने खाली छोड़ दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों यह काइनेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी दैट मीन्स एम जी एच इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या काइनेटिक एनर्जी का पे एम जी एच लिख सकता हूँ, तो एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों आप देख पा रहे हो सुंदर दृश्य, ठीक है। तो मुझे वी फाइंड करना है, दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे लास्ट एक लाइन लिखना है, हाँ मुझे वी फाइंड करना हो तो ईमानदारी से बोलना, ये टू सामने जाने दे और ये पूरा का पूरा, बोल हाँ या ना, दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दो कैमरा, दिख रहा है बच्चों को, ठीक है। तो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच वन प्लस अपॉन में वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मान लो वी फाइंड करना है खाली, तो अंडर रूट टू जी एच वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों दिस इज द फॉर्मूला, इसको इक्वेशन टू बोल देता हूँ और इसकी जरूरत पड़ने पर इक्वेशन थ्री बोल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मुझे वी स्क्वायर का काम पढ़ने वाला, छोड़ रहने दे, इसको डायरेक्ट इक्वेशन टू बोल दो। तो ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये इतना तक दिया है, टेक्स्ट बुक वाले बच्चों को स्कूल में एग्जाम देना हो तो यहाँ तक है कि फाइंड दी फॉर्मूला फॉर द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा, बोलिए यहाँ तक आपको स्कूल की एग्जाम में लिखना रहेगा दोस्तों। ये थोड़ा थोड़ा है दोस्तों, और उसके आगे भी और मस्त लेवल वाली बातें हैं। अब एक बार जिन बच्चों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए ओनली करना है प्रिपरेशन, आप इतना लिखोगे एग्जाम में आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं।
फाइनली लास्ट हमारा फॉर्मूला क्या आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच वन अपॉन के वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है चलो, या तो वी बराबर अंडर रूट ना करके ऐसा भी चलेगा। ठीक है चलो दोस्तों, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं अच्छी तरह से। जूम, ये एच जितना हाइट, ये थीटा एंगल, और ये डिस्टेंस कितना डी बोला था मैंने, डिस्टेंस डी है। ठीक है चलो, पार्टिकल को यहाँ से फ्री कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ए जितने एक्सेलरेशन से मुझे नहीं पता ए क्या है, ठीक है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे नीचे पहुँचेगा जब ये पार्टिकल, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा दोस्त, चल बोल दे। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए, बॉडी का एक्सेलरेशन ए, स्टार्टिंग में फ्री किया है मतलब वी जीरो जीरो है। देखो दोस्तों, और रे रे, सर 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 सर, वी जीरो है, वी है, वी जीरो है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी। हाँ या ना बोल दे चल एक बार, बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है चला जा। तो वी स्क्वायर पता नहीं, वी जीरो जीरो है, टू ए डी। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर थ्री मेरे पास आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी, मैं रख सकता हूँ जब जरूर पड़ेगी तब। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें इक्वेशन ये बन रहा है, मेरे पास थीटो है, सामने वाला ऑपोजिट एंड हाइपो दिया हुआ है, हाइपो कितना है, तो दोस्तों बाय यूजिंग साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो दोस्तों मुझे डी क्या मिलेगा, एच अपॉन साइन थीटा, वो भी आपका पद गया, यहाँ तक ही है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आगे आपको समझाने जा रहा हूँ मैं, आपको कहीं पे कहीं काम में आएगा। ठीक है ओके, कीप दिस डी, कीप डी इन इक्वेशन थ्री, थ्री में रखो दो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए, डी कितना, एच बाय साइन थीटा दोस्तों। ठीक है, इसको इक्वेशन थ्री बोल देता हूँ, ठीक बा, ठीक बा, और ये इक्वेशन क्या था अपना, टू था। ठीक है, इक्वेशन टू और थ्री देखो तो, कंपेयर करो तो, हो रहा है सर कंपेयर, ये वी स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, वी स्क्वायर है तो चलो क्या लिखेंगे, टू ए एच बाय साइन थीटा, टू जी एच बाय वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, टू एच गॉन, तो एक्सेलरेशन कितना आया, जी साइन थीटा सर सर सर, इसको मैं इक्वेशन फोर बोल देता हूँ, मतलब कि स्लीपरी सरफेस पे एक्सेलरेशन आ रहा था खाली जी साइन थीटा, हाँ या ना, और इस फ्रिक्शन वाले सरफेस पे जी साइन थीटा किसी से डिवाइडेड है, कम हुआ एक्सेलरेशन, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, पहले 10 है और बोल रहा हूँ 10 दो से डिवाइड है तो कम ही हुआ ना। ठीक है तो दोस्तों ये जो कम हुआ एक्सेलरेशन, योर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, रीजन क्या है इसका, फ्रिक्शन के कारण, बाकी कोई रीजन ही नहीं था, फ्रिक्शन लेस पे यही सारे फोर्स लग रहे थे और फ्रिक्शन वाले पे भी यही सारे फोर्स लग रहे थे, ऐड कौन हुआ खाली एफ, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ा दोस्तों, क्लियर है। चलो अब मुझे फ्रिक्शन फाइंड करना है, बहुत ही मस्त बात बोलने जा रहा हूँ, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फाइंड करना है दोस्तों, फ्रिक्शन है कहाँ रे, मेरे पास है दोस्त, ये एम जी साइन थीटा को थोड़ा सा दिल से लेता हूँ मैं यहाँ से, चलो बोलो फटाफट, मुझे एफ नेट फाइंड करना है, तो नीचे कौन ले जा रहा और ऊपर कौन अपोज कर रहा है। ठीक है, एफ नेट का मतलब क्या होता है, एम ए भाई बराबर है ना,
नीचे एम जी ले जा रहा, ऊपर अपोज कौन कर रहा, एफ कर रहा, एफ को इधर ला दो, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए, बोल हाँ या ना। आ हा हा सर, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, वो तो गले पे साथ में जाना पड़ेगा। ए ए बोलो भाई, ओ हो हो सर क्या बात है, सर क्या बात है, बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते पे हम जा रहे हैं दोस्तों। एम जी साइन थीटो में कॉमन ले लूँ, वन माइनस, क्लियर हो रही है बातें दोस्तों। मैंने आपको बोला था आपका लेक्चर आज जोरदार लेवल का होने वाला है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एलसीएम एलसीएम लेना आता होगा, मैं आशा रखता हूँ डायरेक्ट इलेवंथ में आए नहीं होंगे आप, पूछना पड़ता रहे कभी कभी, तो कभी किसी का ऐसा होता है सर पड़ोसी का पेपर अच्छा गया था इसलिए मैं भूल चुक से लेवी देवी से दसवीं में पास हो गया, चला जा। ये पूरा का पूरा उठा के ऊपर ला और ये माइनस वन, अपॉन में क्या आएगा, बोल हाँ या ना। चल भाई निकल निकल, एम जी साइन थीटो के स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको भी यहाँ पे ले जाए दोस्त, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ के स्क्वायर प्लस आर, अपॉन में कौन रह गया, चल निकल निकल, एम जी साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोल हाँ या ना। इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं लिखना छोड़, ये आ गया आपका फ्रिक्शन दोस्तों, इक्वेशन नंबर 5, बोल हाँ या ना, क्या फाइंड करना है तू, बोल खाली ऑर्डर कर दो, ये आपको जी में डायरेक्ट फॉर्मूलाज काम में आएंगे दोस्तों। अब मैं आपको बोलता हूँ कि फ्रिक्शन फाइंड करो, रिंग इंक्लाइन पे दौड़ रही है, तो रिंग के लिए के क्या होता है, आर होता है, रेडियस होता है, और मैं आर का वैल्यू 5 दे देता हूँ आपको, बोल सब तामझाम, रिंग का मास भी दे दूंगा, रिंग को 30 एंगल पे रखा हुआ है, बोलो फ्रिक्शन आ जाएगा नहीं। थीटा का मेजरमेंट दे देता हूँ कि 30 एंगल वाले इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है रिंग को, आ गया थीटा, साइन 30 मतलब 1/2 आ गया, रिंग का मास है कुछ 2 किलोग्राम, चल जो भी हो 2 आ गया, जी है 9.8, और वो रिंग का के क्या होता है, आर, रेडियस जितना ही होता है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर गया 1/2, 1/2, 1/4, आंसर इन शॉर्ट आ जाएगा। बोलो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन फॉर्मूला तो आना चाहिए। चला अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन हो गया, अब ये जो देखा ना मैंने सर, तो ये नीचे जा रहा था रोल होके, तो ऐसे ऐसे तो नहीं हुआ, मतलब कि इसको एन ने और एम जी कॉस थीटा ने अच्छी तरह से इक्वली पकड़ के रखा हुआ है, बैलेंस करके रखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों फॉर इक्विलिब्रियम सर फ्रिक्शन है नॉर्मल फोर्स है, बता दे तीसरा कौन सा फाइंड कर सकता हूँ दोनों पर से, इन दोनों पर से कौन सा फाइंड कर सकता हूँ, तीसरा इसका दोस्त है एक, तीनों साथ में रहते थे, वेरी नाइस, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस एन दोस्तों, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू म्यू एस एन, सो म्यू एस इज इक्वल्स टू, तो ये रहा एफ ये रहा एन, एफ बाय एन, एम जी साइन थीटो और एन का मतलब है एम जी कॉस थीटो, एम जी एम जी कौन, म्यू एस इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा, बोल हाँ या ना। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं, नहीं लिख सकते, ओके परमिशन नहीं है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ओके दोस्तों, तो फाइनली क्या आया, म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बच्चों को अच्छी तरह से लिखना होता है, बच्चे मन के सच्चे, तो के स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई आपको बोलने नहीं आएगा घर पे, ए बाहर निकल के हमने डिवाइड करी, ऐसा कुछ होगा नहीं, 1/1 प्लस, सॉरी
आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। क्या आपको नहीं पता है हमने चैप्टर 5 में किया था कि स्लोप पे, स्लोप वाले रास्ते पे गाड़ी को खड़ी रखनी हो तो उसका कंडीशन म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसी हिसाब से इंक्लाइंड प्लेन पे किसी को रोल करवाना हो तो उसके म्यू एस का कंडीशन ये है, म्यू एस इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन टेन थीटा वन प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जैसे कि नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली बात करेंगे हम, मैं मान ले कि रिंग को घुमाने जा रहा हूं, रिंग को इंक्लाइन प्लेन पे, तो रिंग के लिए म्यू एस कितना, रिंग को घुमाने का कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देख, रिंग के लिए आपको पता है आई इज इक्वल्स टू फिक्स है, क्यों, देख मैं रिंग ऐसे ही यहाँ पे घुमाऊंगा तो उसका एक्सिस कहाँ से पास होगा, परपेंडिकुलर पास होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए आपने रिंग के लिए आई कितना लाया था, एम आर स्क्वायर लाया था, और जाई रेडियस में एम के स्क्वायर। बाई कंपेयरिंग एम के स्क्वायर एम आर स्क्वायर, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू आर। बोलिए, सब लाना नहीं होता लेकिन ठीक है, चल बोल डन है। अब आ जा दोस्त, इसका कंडीशन क्या होगा, टेन थीटा वन प्लस वन प्लस, चल आर स्क्वायर ओसे का ओसा, के स्क्वायर की जगह पे रिंग के लिए आओ भैया, चल निकल वन अपॉन वन प्लस वन। तो दोस्तों डायरेक्ट एक मार्क में पूछते हैं स्कूल की एग्जाम में, राइट दी कंडीशन फॉर दी स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर रिंग, तो वन अपॉन टू टेन थीटा। दोस्त दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ मैं, आप डिस्क ले लो, डिस्क है तो डिस्क है, चला जाए बोल, इसका आई क्या होता था परपेंडिकुलर के लिए, और हम एम के स्क्वायर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर एम एम गॉन, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई टू, ज़रूरत पड़ने पर के इज इक्वल्स टू आर बाय रूट टू, बोल हाँ या ना, ठीक है चला जा। अब इसके लिए म्यू एस का कंडीशन क्या, वन अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, के स्क्वायर बोल तो आर स्क्वायर बाय टू, बाय टू कहाँ गया, ऊपर गया, वन अपॉन वन प्लस टू थ्री। सिंपल सिंपल क्वेश्चन समझा रहे हैं दोस्तों, और बच्चे ऐसे मार्क्स छोड़ के आते एग्जाम में पता नहीं डस्टर का है। इसको डस्टर नहीं बोलते रहे, इट इज टाइम पास, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल डस्टर, दिस वन, दिस इज यूनिवर्सल डस्टर। इसकी मजा अलग है दोस्त, मैं चाहूंगा डेढ़ से साढ़े सात में इसको यहीं पर लगा के घूमूं, चल आ जा। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है, तीसरा स्फीयर, स्फीयर का परपेंडिकुलर एक्सिस में आई कितना होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, देख लेना एक बार, चेक कर लेना शायद मैं कहीं रॉन्ग हो तो, एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, और मान ले के चाहिएगा तो इजीली जा रहे हैं हम दोस्तों, कोई उतावल नहीं है, इजीली जा रहे हैं हम। इसका म्यू एस का कंडीशन बोल दो, वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है ना कंडीशन, के स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब टू आर स्क्वायर और अपॉन में फाइव, मतलब ऊपर फाइव, आर स्क्वायर गॉन, वन प्लस फाइव बाई टू, टू इधर गया, टू प्लस फाइव सेवन, सेवन बाई टू, और टू ऊपर गया, तो किसी भी सिलेंडर विलेंडर जो भी आपको लेना हो ले सकते हो। तो बोलिए, ये है दोस्तों आपका लास्ट थियरी लेवल वाला थियरी, मैं आशा करता हूँ आप सबको पता चला होगा दोस्तों, हाउस दैट, क्लियर है, क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ओके दोस्तों। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने,
बहुत ही अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट लिखिएगा दोस्तों, तो उससे हमारा जोश बढ़ता है और नेक्स्ट वीडियो में जोरदार। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सारे सम्स के आने वाले हैं, जो भी चैप्टर 7 के सम्स है, बहुत टफ सम है दोस्तों, उसको इतना ईजी करके आपके सामने हम रखेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छा सब कुछ समझ में आए, और चैप्टर 9 के वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।